जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जमशेद अली जी के कमेंट के अनुसार रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चाइल्ड प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट की डिटेल आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की है, और इस वीडियो का लिंक हमने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे कि आपको इसकी जानकारी मिल जाए। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हर एक वीडियो आती है आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमितराज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चाइल्ड प्लान की सरेंडर वैल्यू के बारे में। अगर आपके पास ये पॉलिसी है तो पॉलिसी के जो पहले 3 साल है आपको लगातार प्रीमियम पे करना होगा, उसके बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और पॉलिसी में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी, गारंटेड सरेंडर वैल्यू का जो फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप टोटल पेड एनुलाइज्ड प्रीमियम यानी कि बेस प्रीमियम में जितना भी आपने पे किया है, और उसमें से आप सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक अगर आपको मिल चुका वो आप घटा देंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर आपके पास पॉलिसी है और पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट होने से पहले ही आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है तो ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट की, वो है यहाँ पे रिवाइवल पीरियड। मान लीजिए आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया और अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहते हैं, रिवाइव कराना चाहते हैं, तो 2 साल का आपको मौका मिल जाता है लास्ट अनपेड प्रीमियम की डेट से, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है पेड अप पॉलिसी का। आपने 3 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया, अब आगे चल के आप फ्यूचर प्रीमियम नहीं पे करना चाहते और पॉलिसी को आप सरेंडर भी नहीं करना चाहते, तो ऐसे में ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा जो कि होगा गारंटेड सरेंडर जो कि होगा गारंटेड सम अशोर्ड। GSA का मतलब है गारंटेड सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी मल्टीप्लाई बाय पेड अप फैक्टर, और जहां तक आपने प्रीमियम पे किया वहां तक का बोनस आपको दे दिया जाएगा मैच्योरिटी पे, और पॉलिसी फिर बंद हो जाएगी। इसी के साथ इस प्लान में मैच्योरिटी से पहले आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, तो वो सर्वाइवल बेनिफिट क्या होगा जी, वो सर्वाइवल बेनिफिट होगा सम अशोर्ड के साथ आप जोड़ लेंगे हाई सम अशोर्ड एडिशन, और उसका 25% निकालेंगे, फिर उसमें आप गुणा कर देंगे पेड अप वैल्यू फैक्टर का, ठीक है। अगर पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो पेड अप डेथ बेनिफिट मिलेंगे जो कि सम अशोर्ड ऑन डेथ में पेड अप वैल्यू का जो फैक्टर होगा उसका गुणा करने के बाद में जहां तक प्रीमियम पे किया गया वहां तक का बोनस अगर कंपनी ने अनाउंस किया इकट्ठा हुआ है तो वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद पॉलिसी चलती रहेगी और सारे बेनिफिट एज इट इज मिलते रहेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मैच्योरिटी बेनिफिट और पेड अप सर्वाइवल बेनिफिट। बात आती है लोन की, तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिल सकता है, 10.5% की दर से सालाना ब्याज लग सकता है, ब्याज दर फिक्स नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं जिससे कि हम सरेंडर वैल्यू और अदर फीचर्स को समझ सकें। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी उम्र 35 साल की है, वो पॉलिसी टर्म यहाँ पे 16 साल का ले रहे हैं। इस प्लान में जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। ऐसे में बेसिक सम अशोर्ड उन्होंने लिया यहाँ पे 4,05,405 रुपए का, क्योंकि सालाना बेसिक प्रीमियम वो यहाँ पे 30,000 रुपए का पे कर रहे हैं। तो ऐसे में हाई सम अशोर्ड एडिशन 0.2% की दर से इनको मिल जाएगा जो कि 810.81 रुपए का होगा, राइट। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। बोनस का रेट हम 3.20% ही लेकर चल रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ओके। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमा ने भविष्य में आगे चल के प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं 5 साल प्रीमियम पे करने के बाद में, ठीक है। तो ऐसे में टोटल पेड प्रीमियम कितना हो जाएगा जी, 30,000 रुपए का सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसमें आप 5 का गुणा कर लीजिए तो 1.5 लाख रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 5 साल में। और 5 साल में बोनस कितना इकट्ठा होगा, अगर आप 3.20% निकालते हैं 4,05,405 रुपए का और उसमें आप 5 का गुणा कर देंगे क्योंकि 5 साल तक प्रीमियम पे किया है, तो 64,864.80 रुपए का होगा। अब मान लो यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो GSV का मतलब है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो कि 50% का होगा प्रीमियम के लिए, और बोनस पे अप्लाई होगा 3.36%। तो 1.5 लाख रुपए का हम यहाँ पे 50% निकालेंगे और उसमें हम जोड़ देंगे 64,864.80 रुपए का यानी कि 80 पैसे का 3.36% निकाल के, तो 77,179.45 यानी कि 45 पैसे का अमाउंट इनको मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ने देख लिया कि सरेंडर करने में लॉस हो रहा है, तो अब वो यहाँ पे सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं पर वो आगे प्रीमियम भी नहीं पे करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में पॉलिसी क्या हो जाएगी, पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जानते हैं कि बेनिफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे जिसे हम पेड अप फैक्टर कह सकते हैं। इसको निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से,
तो 5 साल हमने यहाँ पे प्रीमियम पे किया है श्रीमान ए ने, और 16 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 5 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3125 यहाँ पे पेड अप फैक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉलिसी कन्वर्ट हो गई किसमें, पेड अप फैक्टर में। अब हम मान लेते हैं कि पॉलिसी श्रीमान ए ने सरेंडर नहीं की और पॉलिसी के 10वें साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना कर लेंगे, 30,000 का 10 गुना करेंगे 3 लाख रुपए होगा, और सम अश्योर्ड में हम हाई सम अश्योर्ड एडिशन जोड़ के उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। सम अश्योर्ड हमें पता है कि 4,05,405 रुपए का है, हाई सम अश्योर्ड एडिशन भी हमने निकाला था 810.81 रुपए, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 4,06,215.81 रुपए का अमाउंट हो गया। तो ये क्या हुआ हमारे यहाँ पे, सम अश्योर्ड ऑन डेथ नॉर्मल सिनेरियो में। अब क्योंकि पॉलिसी पेड अप पॉलिसी है तो इसमें हम पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे जो कि 0.3125 है, तो हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकल के आ जाएगा 1,26,942.44 रुपए, क्योंकि पॉलिसी पेड अप पॉलिसी है। 5 साल प्रीमियम पे किया है, 5 साल में अक्योर्ड बोनस हमारा सेम ही रहेगा 64,864.80 रुपए, तो 1,26,942.44 रुपए में हम 64,864.80 रुपए जोड़ देंगे, यानी कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड बोनस को जोड़ दिया तो 1,91,807.24 रुपए डेथ बेनिफिट के रूप में इनको मिल गए। अब आगे चल के इनके नॉमिनी को पेड अप सर्वाइवल बेनिफिट भी मिल सकता है, या कहें कि अगर श्रीमान ए ही जीवित रहते हैं मैच्योरिटी तक तो उस केस में भी इनको पेड अप सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। क्या होगा वो, सम अश्योर्ड में हम जोड़ेंगे हाई सम अश्योर्ड एडिशन, उसका 25% निकाल के उसमें पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, जो कि अमाउंट होगा वो पॉलिसी के 13वें साल के अंत में, 14वें साल के अंत में और 15वें साल के अंत में इनको मिल जाएगा। अब सम अश्योर्ड और प्लस हाई सम अश्योर्ड एडिशन का जो अमाउंट है हमारा 4,06,215.81 रुपए है, पेड अप फैक्टर हमें पता ही है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25% निकालेंगे 4,06,215.81 रुपए का, और उसमें हम 0.3125 यानी कि पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, तो ऐसे में 31,735.61 रुपए का अमाउंट आएगा जो कि इनको पॉलिसी के 13वें साल के अंत में मिलेगा। टोटल सर्वाइवल बेनिफिट 3 बार मिलेगा, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 95,206.83 रुपए का टोटल पेड अप सर्वाइवल बेनिफिट इनको मैच्योरिटी से पहले मिल जाएगा। मैच्योरिटी पे इनको क्या मिलेगा जी, पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि नॉर्मल सिनेरियो में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है उसमें पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, यानी कि जो हमारा गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है उसमें हम पेड अप फैक्टर का गुणा करेंगे, यानी कि पेड अप वैल्यू फैक्टर का, और जहां तक हमने प्रीमियम पे किया था वहां तक का जो बोनस इकट्ठा हुआ वो ऐड कर देंगे। तो अक्योर्ड बोनस हमें पता है 5 साल प्रीमियम पे करा था 64,864.80 रुपए का हुआ, किस तरीके से हुआ ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन की थी, अगर आपने ध्यान से दिया तो आपको ध्यान होगा, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है। अब गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या है, 25% निकालेंगे हम सम अश्योर्ड के साथ हाई सम अश्योर्ड एडिशन जोड़ के, तो हमें पता है कि सम अश्योर्ड में अगर हम हाई सम अश्योर्ड एडिशन जोड़ दें तो 4,06,215.81 रुपए होता है, उसका हम 25% निकालेंगे तो 1,01,553.95 रुपए होगा, इसमें हम जोड़ देंगे 64,864.80 रुपए तो पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट निकल के आ जाएगा जो कि 1,66,418.75 रुपए का अमाउंट होगा, इनको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। राइट, अब बात आती है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमने कहां से लिया, वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। इस समय जो चार्ट है वो हमें जो प्रीमियम पे अप्लाई होगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर वो बता रहा है। 16 साल का हमने यहाँ पे पॉलिसी टर्म लिया, 5 साल हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, तो 50% का हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आया था टोटल पेड प्रीमियम पे। राइट, इसका जो PDF है ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो बोनस के लिए जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है उसकी जानकारी भी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। 16 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया था, 5 साल तक हमने प्रीमियम पे किया था। राइट, तो 5 साल तक प्रीमियम पे करने पे पॉलिसी को सरेंडर कर रहे थे तो 3.36% ही मिलता टोटल बोनस का। राइट, बाकी आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके जी, अब आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपके पास पूरी जानकारी होगी। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव प्रश्नों के अनुसार जैसा कि आप चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सभी का।